ये मायने नहीं रखता कि आप सफल है या फिर नहीं, मायने ये रखता है कि आपके अंदर जितनी काबिलियत है आप उतने सफल है या फिर नहीं। जीवन में हमेशा याद रखना कि इज्जत तो सबको चाहिए, लेकिन लोग वापस देना भूल जाते हैं। किसी के बारे में राय बनाने से पहले उससे एक बार बात जरूर कर लेना, क्योंकि दूसरों के द्वारा कही गई बात अक्सर अफवाहें होती है। बुराई की खासियत होती है कि वो कभी हार नहीं मानती और आपके पीछे ही पड़ी रहती है, लेकिन अच्छाई की खासियत होती है कि वो कभी हारती नहीं है। यदि जीवन में सफलता ना मिले तो तरीके बदलो, अपने सिद्धांतों को नहीं, क्योंकि पेड़ भी अपनी पत्तियों को बदलता है, जड़ को नहीं। जब तक आप काम के हैं तब तक ही लोग आपको याद करेंगे, क्योंकि दीपक जलने के बाद माचिस की तीली को फेंक दिया जाता है। इस वाणी में भी अजीब शक्ति है। कड़वा बोलने वालों का शहद तक नहीं बिकता और मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है। जब तक एक बेटा खुद बाप ना बन जाए तब तक उसे अपने पिता के द्वारा लिया गया हर निर्णय गलत लगता है। कोई भी इंसान अपने आप को ऐसे ही नहीं बदलता। जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो उस इंसान को बदलने पर मजबूर कर देती है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि वो एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरों से नकाब हटा देता है। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि उसकी उम्मीदें देती है जो वो दूसरों से रखता है। दुनिया की सबसे सस्ती मजदूर पत्नी होती है, क्योंकि जिंदगी भर उसे इस भ्रम में रखा जाता है कि वही इस घर की मालकिन है। पैसा नमक की तरह होता है जो जरूरी तो है, लेकिन जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देता है। गीता और कुरान कभी आपस में लड़ते नहीं है, और जो इनके लिए लड़ते हैं वो इन्हें कभी पढ़ते नहीं है। जीवन में ये 5 डर आपके अंदर कभी नहीं होना चाहिए। पहला, आलोचना का डर। दूसरा, किसी के प्यार के खो जाने का डर। तीसरा, मरने का डर। चौथा, बूढ़े होने का डर। और पांचवा, गरीबी का डर। किसी के छोड़ जाने पर ज्यादा चिंता ना करें। गलत लोगों को जाना पड़ता है ताकि आपके जीवन में अच्छे लोग आ सके। किसी इंसान को धोखा देकर ये कभी मत समझना कि आप कितने चालाक हो, बस ये सोचना कि उस इंसान को आप पर कितना ज्यादा भरोसा था। चाणक्य की ये बात हमेशा याद रखना कि कभी भी अपने सीक्रेट को किसी के साथ साझा मत करो, क्योंकि ये प्रवृत्ति आपको बर्बाद कर देगी। जो इंसान आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझते, उस इंसान के सामने मौन रहना ही बेहतर है। बात करने के लिए वक्त और शब्द नहीं, बल्कि मन होना चाहिए। यदि मन ना हो तो कितना भी वक्त हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी नहीं कि सारा ज्ञान किताबों से ही मिले, कुछ ज्ञान मतलबी लोगों से भी मिलता है। जरा लेकर तो देखिए। यदि इस दुनिया में खुश रहना है तो एक बात जान लो कि यहां तुम्हारे रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कब्र पर लिखा था कि किसको क्या इल्जाम दूं, क्योंकि जिंदगी में सताने वाले भी अपने थे और दफनाने वाले भी अपने थे। यदि आपको कोई नहीं समझे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छी किताबें और अच्छे लोगों को समझने के लिए थोड़ा दिमाग का होना भी जरूरी है। चिंता में रहोगे तो खुद जलोगे, और निश्चिंत रहोगे तो दुनिया जलेगी। क्या खूब लिखा है किसी ने कि संगत का जरा ध्यान रखना, क्योंकि संगत आपकी खराब होगी और बदनाम आपके माँ बाप होंगे। राधा ने कृष्ण से पूछा कि आपने मुझसे शादी क्यों नहीं की। कृष्ण ने जवाब दिया कि शादी तो दो लोगों के बीच होती है, हम दोनों तो एक है ना। जिस इंसान का दिल साफ होता है ये दुनिया उसी को सबसे ज्यादा रुलाती है। भरोसा नहीं है तो खुद को ही देख लो। मनुष्य चाहे कितना भी गोरा हो जाए लेकिन उसकी परछाई हमेशा काली ही रहती है। मैं श्रेष्ठ हूँ ये आपका आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये आपका अहंकार है। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो आप सिर्फ मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि शब्द उलझा देते हैं और मुस्कुराहट हर रास्ते को सुलझा देती है।